अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप लोग सर्दियों को कर रहे होंगे इंजॉय। तो ये मैं और मेरी मम्मी गए थे एक्चुअली लोकल मार्केट, क्योंकि यहाँ से हमें गर्म शॉल लेनी थी और कुछ घर के लिए ग्रॉसरी तो हम ले चुके थे। अलबत्ता यूटेंसिल्स हैं जो के लेने थे, जिनमें कप्स हो गए, टी कप्स हो गए और कुछ अदर एसेसरीज थी जो कि लेनी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने लिए ज्वेलरी भी ले लूँ, क्योंकि शादी करीब है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। मैचिंग तो मस्ट होती है हम सब लड़कियों के लिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये जो शॉल थी वो अराउंड 800 to 900 की थी और हमें असल में किसी को देनी थी ये शॉल, उनके लिए हम परचेज कर रहे थे। तो ये वाइट वाली मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जिनको देना था उनको ये कलर इतना कुछ पसंद नहीं है खास वाइट, तो उनके लिए हमने ये वाली शॉल देखी फिर, जो कि थोड़ी पीची थी। शायद वीडियो में इसका कलर थोड़ा सा कम लग रहा हो आपको, बट इट वॉज पीच। सर्दियाँ आते ही इनके हो जाते हैं दिमाग ख़राब। तो ये शॉल की जो प्राइस बता रहे थे उन्होंने हमें 1500 बताई थी। जब इनको लगता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसकी प्राइसेस फ़ौरन ही बढ़ा देते हैं। तो काफ़ी इनसे बार्गेन करते करते हमने इसको 800 में ही परचेज किया। और दो कि ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी जितना आप सोच रहे होंगे या दिखने में लग रही है, लेकिन फिर भी बाकी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी रश बहुत ज़्यादा था। और ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुपट्टे रखने की दुकान है। इनके पास ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी मौजूद थे और चुनट के दुपट्टे भी मौजूद थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जिनके ऊपर टासल्स भी थे। तो ये भाई बता रहे थे कि कितनी ये प्राइस के ऊपर इसको जो है वो रंग देंगे या कस्टमाइज कर देंगे। लेकिन बहुत ही बड़ी दुकान है और सबसे ज़्यादा पुरानी दुकान है ये इस मार्केट की। सबसे अच्छी जो यहाँ की बात है वो मुझे लगती है कि हलीम यहाँ बहुत मज़े का मिलता है तो ठेले पे, लेकिन ऑलरेडी इतना मज़े का होता है कि आप जब भी आएँ तो अपने आप को खाने से नहीं रोक पाते। जहाँ फिर आप ज्वेलरी की बात करें तो हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी, चाहे से लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, टॉप्स हो, या फिर आपको सिर्फ रेगुलर वेयर के लिए चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ ये ब्रेसलेट दो हमने देखे थे, ईच उन्होंने 200 का बताया था। क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने इसको लेट गो किया, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ वही बात होती है कि एक बार आप ले तो लेते हैं लेकिन वो दूसरी बार पहनने के लिए फिर आपके पास इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। तो आप ये सोचते रहते हैं कि यार आपने 200 रुपये भी फेंके और कोई अच्छी चीज़ नहीं आई, इससे अच्छा आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे के कोई अच्छी चीज़ ही ले लेते। वेडिंग सीज़न है इसलिए शायद आपको रश ज़्यादा मिले, लेकिन वैरायटी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगी, रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएगी। तो आप कोई भी अपने लिए ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर सकती हैं जो कि आपके ऊपर अच्छी लगे, तो ये सब उनमें से एक है। काफ़ी मरतबा मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो चीज़ मैं ढूंढ रही होती हूँ वो मुझे कभी बड़ी दुकानों से या ब्रांडेड वो चीज़ नहीं मिलती या समझ नहीं आती जो यहाँ से मिल जाया करती है। तो अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप इन चीज़ों में से अपने मतलब की चीज़ ढूंढ सकें तो प्लीज़ यहाँ का भी विज़िट किया करें। यहाँ भी आपको अपने मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी, आपको ज़रूर मिलेंगी, बस ये है कि आपके पास वक्त होना चाहिए। बात की जाए ब्राइडल सेट्स की या फिर हैवी इयरिंग्स की या पार्टी वेयर की, तो ज्वेलरी पे तो भाई कोई आफत ही मची हुई है। हमारे पास एक लेडी खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि हम अब गोल्ड तो पहन नहीं सकते तो क्या अब आर्टिफिशियल भी नहीं पहन सकें। एंड बिलीव मी कि ये इतना सब पेंडेंट 5000 रुपीज़ का दे रहे थे, जो कि एक्सट्रीमली जो है वो अनअफोर्डेबल हो जाता है लोगों के लिए। अब वो नहीं ये चीज़ें परचेज कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। प्राइस रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही थी, लेकिन ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंज थी जिसको काफ़ी लेडीज़ ने फॉगो किया और यहाँ से उन्होंने सामान नहीं ख़रीदा, लेकिन ब्राइडल सेट्स बहुत ही अच्छे थे। ये हमारे एक जाने वाले की दुकान है और यहाँ से हमने अपने लिए रिंग्स ली थी।
जो कि काफ़ी हमें अफोर्डेबल पड़ गई थी। हमने 200 की ली थी टू रिंग्स, एक मेरी थी और एक मेरी मदर की थी, और ये काफ़ी हमें डिस्काउंट पे दे देते हैं, जानते हैं पहचानते हैं इसलिए, वरना तो फिर आपको पता है कि ज्वेलरी तो आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी जो कि आपको काफ़ी अच्छी भी मिल जाए और रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाए। इयररिंग्स, माथा पट्टी और चोकर या फिर माला सेट्स सभी इनके पास अवेलेबल था। वैसे तो रेंज काफ़ी ज़्यादा इनके पास नहीं थी, अफोर्डेबल थी, तो इनके पास जो सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि ये गारंटी कर रहे थे कि आपकी 2 साल तक तो ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, और अगर ख़राब हो जाए या कुछ भी रिपेयर में हो या फिर आपको पॉलिश करवानी हो तो आप यहाँ ले आएँ, वो भी इसको बासानी जो है वो कर देंगे। और फिर ये एक छोटी सी क्लिप है मार्केट की, ज़्यादातर मैंने इसमें ब्राइडल ड्रेसेस को देखा है, कवर किया है, जो कि आपकी रेंज में आपको मिल जाएं। तो ये आप जो ब्राइडल ड्रेस देख रहे हैं, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 50,000 बोली थी, जो कि बोलने को तो 50,000 कह रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेन पावर आपकी है अच्छी और आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं तो वो आपको फिर कम भी कर देते हैं। ब्राइडल सेट का तो पूरा पैकेज ही होता है, जिसमें वो आपको क्लच भी दे रहे होते हैं और उसकी स्टिचिंग भी वो फिर खुद ही करवाते हैं, तो ये आपको जाके देखना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है कि काम कैसा हो, आपकी पसंद कैसी है, आपकी चॉइस कैसी है, ये सब आपको इनको बताना पड़ता है। और ये है वो यूटेंसिल्स की दुकान जो कि हमारे एक जानने वाले की है। यहाँ से हमें जो लेना था वो कुछ घर का लेना था सामान। मेरी अम्मी ने यहाँ से अगर टी सेट पूछा तो वो उसकी रेंज बता रहे थे 12,000 तक की, और अगर देखा जाए तो वो उस लिहाज से वाकई ठीक भी था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि आपको अपने घर में ज़्यादातर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब यहाँ पर मौजूद था। तो यहाँ हम इनसे कप्स पूछ रहे थे कि कप्स कितनी रेंज में देंगे, तो ये हमें भाई कप्स दिखा रहे थे कि कप्स हैं, और इनमें से हम सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा वाला हमें लेना है। टी सेट इस शॉप पे बहुत ही बेहतरीन थे, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड थे, लेकिन थे बहुत ही अच्छे। और काफ़ी दुकानों पर ऐसा होता है कि वो आपको कह रहे होते हैं कि ये ब्रांडेड हैं, इम्पोर्टेड हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप मार्केट में होते हैं और आपको टाइम का नहीं पता चलता, जाहिर सी बात है कि अपनी पसंद की चीज़ के लिए आपको पूरी तरह से कोशिश करनी पड़ती है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ लेके घर जाएं, तो उसमें आपको ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसी छोटी मोटी सी दुकानों से, या आप ये कह सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें कभी कभार मिल जाया करती हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे अपने लिए लेने थे फोक्स ख़त्म हो गए थे, तो हमने फोक्स लिए, कप्स लिए, और मेरी अम्मी ने अपने लिए एक नाइफ़ ले ली थी, उनके पास नाइफ़ नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको चलते फिरते फिर याद आती हैं कि हाँ यार ये भी नहीं है और वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर आप अपने घर के लिए वो छोटी मोटी चीज़ें भी देख लिया करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सबके साथ जिनके साथ आप करना चाहें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। आने वाले दिनों में मैं शादी को फुल कवर करने वाली हूँ, जो कि मेरी कज़न की है, तो प्लीज़ आप स्टे ट्यून करें और उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे प्लीज़ बताते रहें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। होम अप्लायंसेस की भी यहाँ पे एक बड़ी रेंज थी, जिसमें आपको ओवन भी मिल जाते हैं और आयरन भी मिल जाती है। तो ये हमें बता रहे थे कि कितना प्राइसेस वेरी करती हैं अगर वही चीज़ इम्पोर्टेड हो या फिर वही चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, और ये हमें दिखा रहे थे कि क्या फ़र्क हो सकता है जिसको आप पहचान के अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं, वो भी एक डिस्काउंटेड प्राइस में, अगर आप देखें अच्छे से और उसको अंदाज़ा लगाएं। तो हमें उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जिससे हम एक अच्छी शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। ये जो शॉप थी बहुत ही मज़े की थी, जहाँ पे हर चीज़ 20 रुपीज़ के मिल रही थी। तो हमने यहाँ से कॉटन पैड्स ले ली थी, टिश्यू बॉक्स हमें यहाँ से बड़ा अच्छा मिल गया था तो वो ले लिया था,
तो जो भी हमें ज़रूरत महसूस होती गई जिस जिस चीज़ की, लेकिन देखने में बड़ा ही मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को जहाँ पे आपके अपनी मतलब की चीज़ें मिल रही हों। फिर कुछ बेडशीट्स भी हमने देखी, रज़ाइयाँ, ज़ाहिर सी बात है कि सर्दी हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं और दिल चाहता है कि बस आप अपनी रज़ाई से बाहर ही ना निकलेंगे, आपने ब्लैंकेट से बाहर ना आए। तो शॉल्स भी थी यहाँ पे, एक वाइड वैरायटी मुझे यहाँ देखने को मिली। शादी के लिए जितनी भी तैयारियां हो सकी उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपडेट करती रहूं और जो भी मैंने कुछ तैयारी की है थोड़ी बहुत वो मैं आपको दिखा सकूं।